नमस्कार, मैं तनु और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। नेताजी की जयंती, भाजपा ने पराक्रम तो टीएमसी ने मनाया देशनायक दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल जोरों पर रही। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली। बीजेपी नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं टीएमसी ने इसे देशनायक दिवस नाम दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि पराक्रम दिवस नेताजी की वीरता के साथ ही यह दर्शाता है कि उन्होंने राष्ट्र को कैसे एकजुट किया। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने नेताजी के जन्म के समय को ध्यान में रखकर दोपहर 12:15 पर शंखनाद करके पदयात्रा शुरू की थी। ममता बनर्जी ने पूरे राज्य के लोगों से आह्वान किया था कि नेताजी के सम्मान में लोग अपने घरों में दोपहर 12:15 पर शंख बजाएं। पीएम मोदी ने असम में की भूमि का पट्टा देने के अभियान की शुरुआत। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के शिवसागर जिले में 1,60,000 से ज्यादा लोगों को जमीन का पट्टा देने की शुरुआत की। पट्टे मिलने के बाद ये लोग जमीन के मालिक बन जाएंगे। इसके बाद इन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा योजना और अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और कारोबार के लिए भी लोन ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज असम के 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि का स्वामित्व मिलने से उनके जीवन की बड़ी चिंता दूर हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में 2.25 लाख से अधिक मूल परिवारों को जमीन का पट्टा दिया गया है। सिंगू बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध, बोला 4 किसान नेताओं को मारनी थी गोली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली हरियाणा सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। मीडिया से बात करते हुए उस संदिग्ध ने कहा कि उसे 26 जनवरी को मंच पर बैठे 4 किसान नेताओं को गोली मारने के आदेश दिए गए थे। उसने कहा कि 26 जनवरी को वह किसान ट्रैक्टर रैली में गोली चलाकर माहौल खराब करने वाला था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने जाट आंदोलन में भी माहौल खराब करने का काम किया था। संदिग्ध ने यह भी बताया कि प्रदर्शनकारी किसान हथियार लेकर जा रहे हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। वह 19 जनवरी से सिंगू बॉर्डर पर था। बर्फीली हवाओं से ठिठुरा उत्तर भारत, कई क्षेत्रों में बारिश के आसार। हिमपात वाले क्षेत्रों की ओर से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के साथ उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में भी बारिश हो सकती है। आने वाले 2-3 दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर चलेगी। उत्तर प्रदेश में सर्दी में फिर इजाफा होने की संभावना है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा के कारण तापमान में गिरावट के साथ गलन बढ़ेगी और ठिठुरन भरी सर्दी महसूस की जाएगी। LAC पर जासूसी कर रहा चीन, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा भारतीय सेना की जासूसी करने का पता चला है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने इंटेलिजेंस से भारतीय सेना की आवाजाही और सीमा पर निर्माण कार्यों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। चीन की इस हरकत को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी है। भारतीय एजेंसियां कराकोरम के पास दौलत ओल्डी पेंगोंग तसो नदी के किनारे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास हर तरफ की गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग तसो के दक्षिण में 8 जनवरी को एक अज्ञात चीनी सैनिक की गिरफ्तारी की गई थी। यह चीनी सैनिक तकनीकी साधनों से बॉर्डर को ट्रैक कर रहा था। कोरोना फैलने के कारणों की जांच शुरू होते ही वुहान के मेयर ने दिया इस्तीफा। चीन के शहर वुहान के मेयर झोउ शिनवांग ने कोरोना संक्रमण के कारणों की जांच शुरू होते ही इस्तीफा दे दिया। वुहान से ही 2019 में कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी और बाद में यह पूरी दुनिया में फैल गया। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने वुहान में कोरोना फैलने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वुहान के मेयर झोउ शिनवांग ने वहां पूर्ण लॉकडाउन लगाने का 1 साल पूरा होने से एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया। मेयर झोउ की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने कोरोना संक्रमण की जानकारी काफी दिनों तक छिपाए रखी थी, इससे कोरोना अनियंत्रित हो गया। कर्ज के बोझ में दबा पाकिस्तान, पीएम इमरान बोले और लोन की हिम्मत नहीं। पाकिस्तान जिस तरह तंगहाली में पहुंच गया है और कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, उसे देखते हुए इमरान खान ने कबूल कर लिया कि देश अब और कर्ज लेने की स्थिति में नहीं रह गया है। इमरान खान ने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ ग्राहकों पर इसलिए डालना पड़ा है ताकि देश को और अधिक कर्ज के बोझ से बचाया जा सके। इमरान खान ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतों को कम रखने के लिए देश और अधिक लोन नहीं
नहीं ले सकता। इमरान खान ने यह भी स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बहुत घट गई है, इससे महंगाई बढ़ी है। मौजूदा सरकार में डॉलर की वैल्यू 107 रुपए से बढ़कर 160 रुपए हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।